सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बांदा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंचे, इस दौरान सीएम योगी ने महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने उद्घाटन करने के बाद कालिंजर महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की और वहां पर मौजूद जनता को संबोधित किया। बता दें कि सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के सिरसागंज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे पर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के नैरेटिव को सही करने में सफल रही है। योगी सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है, प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, जनता को बिजली भरपूर मिल रही है। इसके साथ ही कहा कि स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, नए पंचायत घर बने हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के नैरेटिव को बदलने में सफल रही है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में जाना जाता है, सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास सर्वाधिक भारत में जितने भी एक्सप्रेस है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हैं, बिजली लगातार मिल रही है, बेसिक शिक्षा के स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, पंचायत भवन बने हैं। अब उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में जाना जाता है। हम आर्थिक मोर्चे पर सीढ़ी नंबर एक पर आ जाएंगे। विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश को जैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराध के लिए जाना जाता था, हत्या लूट डकैती अपहरण बलात्कार के लिए जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही, आदरणीय मोदी जी ही प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गाजीपुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र चौहान के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चार बार से सपा ने व्यापार किया है। वहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा राज का संज्ञा देते हैं, आज भी वो मुहर नहीं हटी है, उनके साथ हम भी रह चुके हैं। चार बार सपा की सरकार रही है और चार बार व्यापार किए और पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग गुंडा राज की संज्ञा देते हैं और आज भी वो मोहर हटी नहीं है और उनके साथ हम रहे हैं। कौन सा व्यापार किए, दुनिया को धोखा दिए हैं, हमको भी धोखा दिए हैं। ये अति पिछड़ों के दुश्मन लोग हैं। हक की बात करिए तो बुरा है, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया था, समाजवादी पार्टी ने, उसमें कौन सा बिजनेस राजभर का है। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है, 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं। हरदोई में एसपी राजेश त्रिवेदी ने एएसपी पूर्वी और पश्चिमी को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है। ब्लाइंड मर्डर और अन्य अज्ञात घटनाओं के खुलासे को लेकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। इसके साथ ही विगत वर्षों में एसएसपी पूर्वी और पश्चिमी के द्वारा किए गए कार्यों की एसपी ने सराहना की है। वहीं दोनों अधिकारियों के सम्मानित किए जाने से पुलिस महकमे में खुशी की लहर है। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अनिल कुमार यादव, इनके द्वारा विगत एक वर्ष में कई संगीन घटनाओं का और अज्ञात घटनाओं का निवारण किया गया। बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, पर्वों में, त्योहारों में लगन से काम किया गया, जिससे कि इनके जोन में कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। इन्हीं सब अच्छे कार्यों के लिए आज इनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। साथ ही साथ हमारे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हैं दुर्गेश कुमार सिंह, इनके द्वारा अभी हाल में ही थाना हरियाणा में एक मर्डर हुआ था जो बिल्कुल अज्ञात था, ब्लाइंड था। इनके द्वारा अथक प्रयास करके उसका खुलासा किया गया और सही मुलजिम पकड़कर जेल भेजा गया, इसके लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया।
फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही। आयोजन किया गया था इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप नेता अशोक तंवर, सांसद सुशील गुप्ता और आप नेता अनुराग ढांडा पहुंचे थे। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी उनके कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर हटाने पहुंच गए, जिसे देखकर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आप नेताओं ने धक्का मुक्की और बस सलूकी करनी शुरू कर दी। केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का तो सभी साथी इसमें सहयोग करें और मैं आप सबको इतना कह सकता हूं कि मैं निष्पक्ष होकर के देखिए साथी प्यार प्रेम किसी से थोड़े से ज्यादा संबंध हो सकते हैं किसी से कम, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो मैं हमेशा पूरे निष्पक्षता के साथ काम करता हूँ और कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त करी नहीं जाएगी। मुझे कोई कमी नहीं है और जनता दिल्ली और पंजाब का विकास देख रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देख रही है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दिख रही है, फ्री बिजली और पानी दिख रही है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दिख रही है, भ्रष्टाचार मुक्त डोर स्टेप राशन की डिलीवरी दिख रही है, गरीब बच्चों के लिए कोचिंग व्यवस्था को देख रही है। पार्टी की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, गुड़गांव में नहीं, मानेसर में नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी है और यहाँ पर भी यही देखने को मिला है। अब आज ये पोस्टर लगे हैं, आप देखिए जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई नहीं कर सकते शहर के अंदर, जो नगर निगम के कर्मचारी अपनी ड्यूटीज़ करने में इतना डिले करते हैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, वो नगर निगम के कर्मचारी आज अचानक इतने एक्टिव हो गए कि सारे पोस्टर्स हटा दीजिए। हमें आपत्ति नहीं है अगर कोई गलत लगा हो तो, लेकिन बीजेपी का भी हटाइए, कांग्रेस का भी हटाइए, फिर आप आम आदमी पार्टी का भी हटाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके खिलाफ कोई संघर्ष आज जो मुख्य विपक्ष है वो करने की उसकी ना तो हैसियत बची है और ना वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और हमें यकीन है कि क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली की हवा भी है और अभी ताज़ा हम वहाँ MCD का चुनाव भी जीते हैं, जो मेयर नहीं बनने दे रही है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कभी कोर्ट कभी किसी का सहारा। तो अमरोहा में कताई मिल पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और रजबपुर मंडल के अध्यक्ष रामनिवास कोला ने हरिद्वार से रथ लेकर चल रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। शिव भक्तों की सेवा के रथ पर विराजमान भगवान भोले शंकर की प्रतिमा विराजमान थी और सभी भक्तों का मन मोह रही थी। इस दौरान सभी भक्त बम भोले के जयकारे लगाकर झूम रहे थे। हरियाणा के रोहतक में सब जूनियर खेलो इंडिया नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पंडकी गांव की दिव्यांशी सैनी ने प्रतिभाग किया। वहीं इस प्रतियोगिता में दिव्यांशी उत्तर प्रदेश से अकेली खिलाड़ी थी। खास बात यह है कि दिव्यांशी ने प्रदेश का नाम रोशन करते हुए खेलो इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। दिव्यांशी के इस सफलता से अमरोहा समेत प्रदेश भर के लोगों में खुशी का माहौल है। हरदोई के कासिमपुर इलाके में संडीला गौसगंज मार्ग के पास ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जीविका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कल सुबह से लगातार छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर की जा रही है। बता दें कि 30 घंटे से कॉलेज बंद कर ईडी की टीम गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है। वहीं ईडी की टीम व कॉलेज प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं की है। वहीं ईडी टीम की छापेमारी की शुरुआत से अन्य कॉलेजों में हड़कंप मच गया है। कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र में ठगी का मामला देखने को मिला है, जिसे सुनकर आप दांतों तली उंगली दबा लेंगे। जानकारी के मुताबिक रायबरेली के
राम खिलावन नाम के युवक ने बिल्हौर तहसील में पहले तो अल्पलाइन आयुर्वेद प्राइवेट के नाम से एक कंपनी बनाई और बड़े ही जोरों शोरों से इस कंपनी का प्रचार किया। साथ ही कस्बे और आसपास के छोटे जनपदों में रहने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाया। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आयुर्वेद जड़ी बूटियां देकर उनकी पैकिंग और साफ सफाई के लिए दिया जाता था, जिसके बदले आरोपी महिलाओं से लाखों की रकम वसूल कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पहले हमको देता था दवा, जैसे हमने स्टार्ट किया था तो जो मतलब 10-20 हज़ार से, तो उसमें बोला कि और दुगना देंगे, तो उसमें सी में पैसा बढ़ता गया और बोला कस्टमर बढ़ाओ, तो कस्टमर भी उसमें हमारे नीचे बढ़ गए हैं। देनदारी है 6,41,000 है टोटल पैसा। हाँ पैसा पैसा है हमारा। हाँ सब जगह गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिल्लौर गए, कंपनी ताला पड़ा है, बंद है। 500-600 महिलाएं से कम नहीं है, आगा ही नहीं है। सारी महिलाएं दौड़ दौड़ के थक गई हैं। ये प्रकरण गंभीर है और इसको संज्ञान में लिया गया है। इसमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और बाहर के लोग हैं, वेस्ट बंगाल के लोग भी हैं, तो उनके अकाउंट, उनके अदर डिटेल, उसका टेक्निकल वेरिफिकेशंस सब कुछ किया जा रहा है और बंगाल से टीम भी जो है अरेस्ट करके उनको ले आएगी ताकि ट्रू सेंस में जस्टिस जो है दिया जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशन में अवैध निर्माण प्लॉटिंग को लेकर कार्यवाही की गई। बता दें कि प्रवर्तन जोन 2 की टीम ने कल्ली पश्चिमी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग व निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इसके साथ ही बालागंज में नजूल भूमि पर कराए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनता अदालत के दौरान उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जन समस्याओं को सुना। जानकारी के मुताबिक कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनता अदालत में पहुंचे और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई के सीएसएन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का हुआ, जिसके तहत 1034 जोड़े परेड़ी सूत्र में बंधे। 956 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और 78 जोड़ों का मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह संपन्न कराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आबकारी मंत्री, मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ जिसमें जनपद के करीब 956 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ और मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है ये इसमें प्रदेश के लाखों परिवारों को इससे लाभ दिया गया है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए मैं प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि आज इसमें जोड़ों का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आगे भी ऐसे लगातार चलते रहे कार्यक्रम। प्रयागराज में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। बता दें कि इस संगम नगरी मंदिर को कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर उत्तर गंगा तट के किनारे पूर्वी छोर पर शिवकुटी में स्थापित है और इस मंदिर की प्रदेश भर में बड़ी मान्यता है। भरद्वाज मुनि आश्रम आए थे और उन्होंने कहा चूंकि आपने ब्राह्मण का वध किया है इसलिए तो आपको तपस्या करिए, इतनी शिवलिंग बनाए तब आपका पाप ही खत्म होगा। तो रावण ब्राह्मण था, इसका वध आपने किया इसलिए आपको शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। तो उन्होंने कहा दहाई सैकड़ा हजार संख कोट होता है, तो उन्होंने बालू को कणों को इकट्ठा करके ये कोटेश्वर महादेव की स्थापना किया। स्थापना करके फिर वो अयोध्या गए। ये मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर पर जो भी पूजा याचना करता है भगवान शिव उसके सारे पाप को हर लेते हैं। तो मैं बचपन से मतलब जब मैं चल नहीं पाता था, पैरों के बल घुटनों चलता, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ मंदिर पे। तो लगभग 20-22 साल हो गया हमें यहाँ आते हुए। मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी अगर आप सच्चे भाव से महादेव के दरबार आएंगे। यहीं नहीं, किसी भी आप दरबार में जाएंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यहाँ पे भी जो लोग आते हैं अपना भाव लेके पूजा अर्चना कर
फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश से आए हस्तशिल्प कलाकार अपनी अलग अलग हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही मेले में आए पलवल के खाईका गांव के मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कलाकार खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बता दें कि इनमें स्टॉल पर आकार न लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, बल्कि जमकर इनके बर्तनों की खरीदारी भी कर रहे हैं। और अब उनके इस लगभग 200 साल पुराने पुश्तैनी काम में उनकी ग्रेजुएट बेटी ने आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। बता दें कि पिता का हाथ बटा रही बेटी का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल करने से न केवल पर्यावरण शुद्ध रहता है बल्कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सभी बेटा क्या बना रहे थे आप? पोल्ट्री कर रहे थे। पोल्ट्री कर रही थी। अच्छा, कैसा लगा ये? अच्छा लगा। क्या है ये, किस चीज का बना रहे थे आप? मिट्टी का। आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये किस चीज का क्या होता है यहाँ पर? हाँ। खाना बनता हांडी में। क्या क्या बना है यहाँ पर, देखा आपने? हाँ। क्या क्या बना हुआ है इसमें? बहुत सारे बर्तन वगैरह बने थे। अच्छा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ अलीगढ़ यूपी से, तो मैं तो गांव का ही, मेरे गांव में ये बनते थे बहुत सारे, लेकिन जब से दिल्ली आए हुए 30 साल हो गए तब से देखा है आज फर्स्ट टाइम के इस तरह का, तो मुझे अपना गाँव ही याद आ गया कि वहाँ इस तरह के ये चीज़ें बनती थी मेरे गाँव में। हम लोग मॉडर्न होते चले गए। जी भी हमारा बिल्कुल, और बच्चों ने तो गांव भी नहीं देखा, बच्चे तो गांव भी नहीं गए, तो उन्होंने पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, मिट्टी से बर्तन बनते कैसे हैं। तो आज वही दिखा रहा था कि यहाँ हैंडीक्राफ्ट, ये जो मेला है सूरजकुंड का, तो इसमें पता चलता है कि हम हाथ से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। पता है ये चाक चलाना जी, वो करना, ये हड़प से पता चलता है जो ये हमारे, पता है किस लिए हम इन्हें ज़्यादा कर यूज मतलब बना रहे हैं, लोगों की डिमांड है, लोग मतलब प्रेशर कुकर वगैरह कर रहे हैं, जो वो कुछ बनाते हैं ना उसमें जो भी खाने का पोषण लेना चाहते हैं वो सब नष्ट हो जाता है सर, इसमें पोषण नष्ट नहीं होगा। उल्टा हाँ, 5 तत्व से मिलकर ये बनती है सर। हाँ, मिलती है 5 तत्व से मिलकर। अच्छा अच्छा, तो आप कब से बना रहे हैं ये? हमें सर दो, कितने पापा जी दादाजी पहले हम मट के घड़े बनावे, और हमारे सुखलाल प्रजापति है नेशनल अवार्डी, उनसे ज्ञान लिया, हमारी 10-12 दुकान है यहाँ, और हमारा अच्छा काम चल रहा है, और हमने भी एक असली फ्रिज बनाया मिट्टी का 7 पड़त का, वो हमें MD साहब को जमा करके आए, इसको पानी पी के चेक कर। देखो हाँ, उनसे लोग सारे बीमार हो रहे हैं, एल्यूमिनियम से बीमार हो रहे हैं सारे, और ये जो गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब आरोग्य हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी में एक शख्स बेहोश पड़ा, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल ले गई जहां उसकी मौत हो गई। वहीं पर पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम हर्षवर्धन है और व्यक्ति बिजनेसमैन है, और हर्षवर्धन थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके में परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दी है। नाम है क्या, कुछ मामला है पूरा बताएंगे? कुछ मामला मुझे भी क्लियर नहीं है सर, मैं अपने ऑफिस के लिए निकला था तो सडनली पुलिस वाले दो घर पे आते हैं, बताते हैं कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, फटाफट आरोग्य हॉस्पिटल वैशाली आ जाइए। उनका फ़ोन मेरे पास आता है, फिर मैं घर आता हूँ, इतने में रस्ते में ना पुलिस वाले को फ़ोन किया, नंबर लेके उन्होंने बताया कि वो डेड हो गए हैं और कुछ केमिकल की वजह से कुछ हुआ है। सर वसुंधरा में एक डेड बॉडी मिली है स्विफ्ट कार के अंदर में, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए आज सुबह वसुंधरा के आरोग्य हॉस्पिटल के सामने खड़ी एक स्विफ्ट कार में एक व्यक्ति अचेतावस्था में होने की सूचना हमारे इंदिरापुरम थाने पुलिस को मिलती है। तत्काल मौके पर जब पुलिस पहुंचती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाता है तो एक व्यक्ति अंदर से निकलता है जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष थी। उनके शरीर पर कोई भी जायरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके मुँह से झाग आ रहा था। औरैया में एक 27 साल का युवक जो दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, दरअसल घर के बाहर बने मंदिर में परिवार वालों की ओर से एक भागवत कथा का आयोजन रखा गया था।
मृतक के पिता ने बताया कि युवक दिल्ली से वापस आया था। भागवत कथा के लिए पास के एक कस्बे से ट्रैक्टर पर टेंट का सामान लेकर आया था, जिसे युवक उतरवा रहा था। तभी अचानक जितेंद्र के सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा गया। हरदोई में ग्रामीणों ने गोवंशों से भरा कंटेनर पकड़ा है। दरअसल बिलग्राम की तरफ से जा रहे कंटेनर को गंगा स्नान कर वापस घर जा रहे थे। समाज सेवी आचार्य राम किशोर तिवारी ने संदिग्ध समझकर ट्रक का पीछा किया और शोर शराबा करने के बाद ट्रक चालक ने ट्रक रोका और जानमाल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने कंटेनर को पकड़ लिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मल्लावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक जिसका नंबर है UP 2280 1745, जो कि कन्नौज की तरफ से आ रहा था, चेकिंग के दौरान वह भागने लगा। इस पर पुलिस द्वारा उसको बाबट मऊ ग्राम के पास पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर दोनों जो है भाग गए हैं। जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी, जिसमें 24 जो पशु हैं उनके अवशेष मिले हैं, लग रहा 3-4 दिन पुराने हैं, और 8 जिंदा पशु मिले हैं, जिसमें से 7 जो है सांड है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो भी मृत पशु थे इनका पोस्टमार्टम करा करके उनकी जो विधि कार्रवाई की जा रही है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, और जो भी गाड़ी मालिक है और अन्य जो लोग हैं इनके बारे में पता लगाया जा रहा है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।